दो बड़े इवेंट से क्या इम्पैक्ट होगा और क्या इम्पैक्ट नहीं होगा, दैट वुड बी रियली 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 बैड इम्पैक्ट. वो देखना पड़ेगा कि कैसा होगा क्या नहीं. साथ ही साथ एशिया कप की जो तैयारियां हैं वो अब जोरों शोरों से शुरू हो गई है, और उसका पता ये चलता है, उसका इस तरह पता चलता है कि नेपाल की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है, विच मीन्स एशिया कप इज राइट एट द कॉर्नर. अब पता चल रहा है कि हाँ जी पाकिस्तान में एक इवेंट हो रहा है. कोई बात नहीं, थोड़े से मैचेस हो रहे हैं, कतरा कतरा बने समंदर. दिस टाइम अराउंड इट इज एशिया कप, मगर फिर 2025 में दावू भी चैंपियंस ट्रॉफी, ज्यादा टीमें, ज्यादा मजा, एंड यस हम होस्ट करेंगे एक बड़ा इवेंट. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर एशिया कप हैपनिंग हियर इन पाकिस्तान. सो नेपाल को बड़ी अच्छे से वेलकम किया गया और अब प्रैक्टिसेस नेपाल की शुरू हो जाएंगी. सो इन सारी चीजों के बारे में हमारी डिस्कशन होगी. बोलर्स हैव ऑलवेज बीन आवर सेवियर्स. खैर बात करेंगे इस मैच के बारे में और अब जो कल खेला जाएगा द सेकंड ओडीआई, उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे. हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी. अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम सवेरा. वालेकुम सलाम. गुड मॉर्निंग. सो गुड मॉर्निंग लाला. गुड मॉर्निंग यहाँ हो रही है मगर वहाँ जो है ना वो इवनिंग हो गई है. हाँ जी बिल्कुल, वहाँ इवनिंग हो जाए तो बेहतर. सो लाला कल जो है एक बहुत अच्छा मुकाबला तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी. पाकिस्तान ने वन साइडेडली 142 रन से जो है वो शिकस्त दे दी अफगानिस्तान को, एंड दिस वाज दी लोएस्ट टोटल जो पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी टीम ने जो है वो बनाया हो चेस करते हुए. सो सबसे पहले तो यस बहुत खुशी की बात है, हम जीत गए. हमारे बोलर्स को हमेशा ये क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की वो बहुत जबरदस्त थी. बट पहले बैटिंग से शुरू करते हैं बिकॉज हमने बैटिंग पहले की थी. लाला हम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए और वर्ल्ड कप इज राइट एट द कॉर्नर. पिच मुश्किल थी, आसान नहीं थी, बट इवन देन हमारे तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं. सवेरे देखिए हर पिच के ऊपर जो है ना वो एक तरीके की बैटिंग नहीं की जाती. हमने मेरे ख्याल में बॉलर्स ने आउट नहीं किया, हमने अपनी गलतियां की हमारे बैट्समैन ने. कुछ पिचेस ऐसी होती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है. मैं समझता हूँ कि इमाम की इनिंग जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से टाइम लिया उसने, लेकिन उसकी इनिंग ने एक फ़र्क पैदा किया. उसके बाद फिर नीचे से इफ्तिखार हो गए, उस इफ्तिखार ने भी टाइम लिया. फिर आगा सलमान ने बहुत टाइम लिया, लेकिन छोटे छोटे पार्टनरशिप जैसे शादाब हो गए, शादाब की पर बैटिंग वो रन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. इवन के नसीम शाह ने भी नीचे से रन किए, तो वो छोटी छोटी इनिंग जो कभी कभार आपको पिचेस के ऊपर थोड़ा सा टाइम लेता है. और मेरे ख्याल में मुझे जो नज़र आया हमारे बैट्समैन स्ट्रगल किए हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो मेरे ख्याल में एक इफ्तिखार के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आया जो स्पिनर्स को अच्छा मैनेज कर रहा हो, खेल रहा हो. तो मेरे ख्याल में कल का दिन जो है वो एक बैट्समैनों के लिए एक लेसन था, बड़ा लेसन था कि कंडीशन को रीड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमारे बैट्समैन नो डाउट सारे ज़बरदस्त, अच्छे इंडिविजुअल फॉर्म में भी बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन कल का अगर दिन देखा जाए तो नो डाउट बॉलर्स ने एक दफ़ा दोबारा करके दिखाया सारे बॉलर्स ने. और जो हम जो हमारी एक्सपेक्टेशन है आगे के मैचेस के लिए वर्ल्ड कप के लिए कि फास्ट बॉलर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा वो हमारे सामने था. बट लाला मुझे ये बताएं कि क्यों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने आपसे पहले भी इस बारे में बात की है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि बैटर्स उस तरह स्पिन को फेस नहीं कर रहे. अच्छी स्पिन खेलने वाले बैटर्स आपको बड़े लिमिटेड दिख रहे हैं. मतलब मैं अगर बाबर की बात करूं, बाबर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, कोई डाउट नहीं है बाबर की क्वालिटी पे. मगर बाबर वक्तन फवक्तन आप देखते हैं कि स्पिन पे फंसते हुए नजर आते हैं. वो एक हर प्लेयर में पॉजिटिविटी और वीकनेस होती है, वो एक वीकनेस है जो बाबर आजम को शायद थोड़ा सा हमेशा कहीं ना कहीं फंसा देती है. आपको लगता है कि स्पिन पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा बाबर को? देखिए मेरे ख्याल में बाबर से अच्छा कोच उसका कोई और नहीं है. बाबर को खुद पता होना चाहिए कि वो कहाँ स्ट्रगल करते, इसलिए कि इंसान को अंदर अपना आप सबसे बेहतर पता होता है. तो आई मीन कि उसको नो डाउट उसको अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा जहाँ वो देख रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर सकता हूँ तो उस चीज़ को, उस कमी को जो है वो पूरा करे. और प्रैक्टिस मेन चीज़ है, जितनी लंबी जितनी तगड़ी प्रैक्टिस करे एक दौर
के जहीर अब्बास एक बहुत बड़ा नाम था जहीर भाई, लेकिन वो इस लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे, तो उन्होंने सिर्फ दिन रात स्पिनर्स के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, जहीर भाई ने कवर किया वो चीज को। तो आप इसको प्रैक्टिस के तहत ही अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, लंबे लंबे सेशन खेलें आप, वो चीज को लेके जाएं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को लेके जाएं, प्रैक्टिस करें। हमारे पाकिस्तान टीम में ऐसे बॉलर्स हैं 15-16 लड़कों में जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं या कोई भी स्पिनर है, तो जितना लंबा सेशन करेंगे, जितना उस चीज को ओवरकम करेंगे, उतने अच्छे प्लेयर और बनेंगे इंशाल्लाह। और बाबर की इनिंग, बाबर को मुझे और आपको पता है कि बाबर की इनिंग उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस टीम की बैकबोन है, वो परफॉर्म करेगा तो टीम अच्छा टारगेट अचीव करेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने जो है वर्ल्ड कप में यही अफगानिस्तान टीम के अगेंस्ट चेन्नई में खेलना है, हमें फिर स्पिन कंडीशंस मिलेंगे, हमें उन्हीं स्पिन कंडीशंस में फिर से अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा, तो हमें पहले से शायद उनके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। बट लाला, अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं, 11 की बात करूं, इंजमामुल हक ने तो आपको एक स्क्वाड बना के दिया और उस स्क्वाड में सऊद शकील को रखा गया जो कि सिर्फ इस सीरीज के लिए है और जो एशिया कप में नहीं होंगे। सो यही वो तीन मैचेस हैं जिसमें वो अपना लोहा मनवा सकते हैं कि वेदर उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए सोचा जाए मिडिल ऑर्डर में या ना सोचा जाए। बट कल सऊद शकील का ना खेलना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लंडर है ये? देखिए सवेरा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जब अनाउंस हुआ सऊद शकील का नाम। मैं ये नहीं कह रहा कि सऊद शकील अच्छा प्लेयर नहीं है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लंबी फॉर्मेट में उसने करके दिखाया है। देखिए आप मुझे समझ नहीं है इस सिलेक्शन के, आपने इस टूर पे किया, आगे एशिया कप में नहीं है, आई डोंट नो वर्ल्ड कप में होगा कि नहीं होगा। मुझे ऑनेस्टली इमाद वसीम के ऊपर बड़ा सरप्राइजिंग था कि इमाद वसीम जैसा प्लेयर जो कंटिन्यू, वो लड़का नया बॉल भी करता है, पुराना भी करता है, उसकी पीएसएल में हमने बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखी, लास्ट मेरे ख्याल में शारजा टूर उसके बाद भी था, शायद शारजा टूर पे था वो लड़का जब ही टीम गई थी हमारी अफगानिस्तान के खिलाफ। तो आई मीन कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था और हमें ज़रूरत है ऐसे प्लेयरों की वर्ल्ड कप के लिए, जो एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, जो जिन्हें बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी करना, नया बॉल भी करना आता है। तो आई मीन कि मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था सऊद शकील का कि आप एक टूर पे हैं एंड देन नेक्स्ट टूर पे वो नहीं है। ये सिलेक्शन मुझे समझ नहीं आई। बिल्कुल, मतलब और अगर आपने सिलेक्ट किया था, अगर आपने इसी टूर के सवेरा, अगर आपने इसी टूर के लिए सिलेक्ट किया था तो फिर तो उसको खिलाना चाहिए था। अगर सिर्फ इसी टूर के लिए था, आपने देखना था वर्ल्ड कप के लिए देखना था, तो फिर तो उसको खेलना चाहिए था फिर तो। एग्जैक्टली, क्योंकि आगा सलमान को लगातार, आगा सलमान इज प्लेइंग, बहुत अच्छे प्लेयर है, ही ट्राइड एंड टेस्टेड, एशिया कप के मैचेस भी जो है वो आगा सलमान को खेलने को मिलेंगे। तो अगर ये तीन मैचेस में अगर सऊद शकील को एक दफा देख लिया जाता तो मेरा ख्याल से कि ज्यादा आपके पास एक ऑप्शन आ जाता मिडिल ऑर्डर के लिए। और जहां आपने इमाद वसीम की बात की, बाकी मगर जब सिलेक्टर से बात होती है और सिलेक्टर से पूछा जाता है व्हाई नॉट इमाद वसीम, तो वो कहते हैं कि लास्ट जो उनका ODI खेलने का सैंपल है That is 3 years old. 3 साल पहले जो है वो ODI खेली थी इमाद वसीम ने, तो वो सैंपल कोई फ्रेश सैंपल नहीं है।